हेलो जी वाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द गाँव से डेट। सो कैसे हो सारे, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे हमेशा की तरह। सो आज की इस वाले वीडियो में हम सब सीखेंगे कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना जो कि देखने में काफ़ी औसम सा लग रहा है, एंड इजली आप सब इस टाइप का एडिटिंग कर पाओगे काफ़ी कम टाइम में। बस आप वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखते रहना, एंड अगर आप सब इस टाइप के एडिट करते हो तो मुझे इस टाइप पर टैग करना तो बिल्कुल ना भूलना। तो चल फिर आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले क्या करना है, हमेशा तो भाई हम यहाँ से अपने फोन के अंदर पिक्सआर्ट ऐप को ओपन कर देते हैं, बट इस बार हम अपने फोन के अंदर करने वाले लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन। सो मैं ऐसे लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेता हूँ, एंड जैसे ही आपके फोन के अंदर लाइटरूम ऐप ओपन हो जाएगा उसके बाद आप सभी को यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। आपका ये होम सेक्शन है तो आप सभी को यहाँ पे ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे आना है, एंड ऐड फोटो में आने के बाद आप सभी को यहाँ से अपने फोटो को ऐड कर लेना। ओके, तो अपने फोटो को यहाँ पे ऐड कर लोगे, वन फोटो सक्सेसफुली इंपोर्टेंट लिख देगा, एंड उसके बाद फिर आप लोग ऑल फोटोज़ पे टैप करना, एंड यहाँ से आप लोग अपने फोटो को यहाँ पे ओपन कर लेना। ओके, सो आप सब देख रहे हो। तो अपने फोटो को यहाँ पे ओपन कर लेने के बाद आप सभी को सिंपल यहाँ पे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, आप सभी को डायरेक्ट यहाँ से लाइट वाले ऑप्शन में सबसे पहले आना। ओके, तो लाइट वाला ऑप्शन में आने के बाद शैडोज़ को यहाँ पे इंक्रीज करना, देन इसके बाद फिर आप लोग को चले आना कलर वाले ऑप्शन में, जहाँ पर आप सबको डायरेक्ट मिक्स में चले आना। ओके, सो मिक्स में आने के बाद आपको यहाँ पे येलो कलर पे आना, इसका सैचुरेशन आप सभी को -100 कर देना, एंड ल्यूमिनेंस को भी आप सभी को हल्का सा माइनस की तरफ रखना। ओके गाइस, उसके बाद फिर आप सभी को यहाँ पे ग्रीन कलर पे आ जाना, एंड इसका भी सैचुरेशन -100 रखना आप सभी को, एंड ल्यूमिनेंस को भी आप सबको माइनस की तरफ रखना कुछ 60 के अराउंड ऐसा। एंड उसके बाद फिर आप सब पर्पल कलर पर आना, ये तो मैं यहाँ पर जैकेट का कलर थोड़ा सा चेक करने के लिए मैं इसको छेड़ रहा हूँ, एंड आप सब ऐसा नहीं छेड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे जो मैंने पूरा स्टेप किया ग्रीन और येलो आप सभी से छेड़ना, और जैसे मैंने बताया सेम वैसा, एंड उसके बाद मिक्स से डन कर देना। एंड उसके बाद आप सभी इफेक्ट वाले ऑप्शन में आना, जहाँ पर आप सब क्लैरिटी को इंक्रीज़ करना, एंड विग्नेट को माइनस की तरफ रखना। ओके, एंड उसके बाद आप सब फिर डिटेल वाले ऑप्शन में आना, जहाँ पर शार्पनेस को इंक्रीज करना, कलर नॉइज रिडक्शन एंड स्मूथनेस, ये तो भाई बेसिक है, ये सब कर लोगे आप। एंड उसके बाद आपका फोटो जब जैसे ही इस टाइप का बन जाएगा तो सिंपल आप सब अपने इस फोटो को यहाँ से सेव वाले बटन पे क्लिक करके सेव कर लेना। ओके गाइस, तो आपका फोटो यहाँ पे सेव हो जाएगा। इसके बाद आप सभी को अपने फ़ोन के अंदर पिक्सआर्ट ऐप को ओपन कर लेना। जैसे ही आपके फ़ोन के अंदर पिक्सआर्ट ऐप ओपन हो जाएगा तो आप सभी के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। सिंपल आप सभी को यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा, आप सबको इसके ऊपर टैप करना है, एंड यहाँ पे आप लोग को एडिट अ फोटो है, आप सभी को इसके ऊपर फिर ऐसा क्लिक करना, देन आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से आप सब अपने फोटो को सिंपल यहाँ से ओपन कर लेना। ओके गाइस, तो ये तो हो गया, एंड अपने फोटो को पिक्सआर्ट के अंदर ओपन करने के बाद आप सबको टूल्स में से ले आना। ओके, सो टूल्स में आने के बाद आप सबको यहाँ पे रिसाइज में आना, देन यहाँ से आप सबको जो 1080 का साइज आप सभी को यहाँ पे से 2590 कर देना, एंड उसके बाद डन कर देना, एंड साइज सेट कर देना। ओके, तो ये हो गया, एंड इस टाइप से पिक्सआर्ट के अंदर ये काम कर लेने के बाद फिर आप सभी को यहाँ पे ऐड फोटो में से ले आना। इसके बाद सो यहाँ पे ऐड फोटो पे टैप करता हूँ, एंड ऐड फोटो पे टैप करने के बाद ऐड फोटो वाले ऑप्शन में आने के बाद आप सभी को यहाँ से एक PNG को ऐड करना है, वो मैं दिखा रहा हूँ आप सभी को कौन सी PNG है। सो ये राउंड सर्कल प्लस बटरफ्लाई PNG है। सो इस ग्लोइंग PNG को ऐड करना आप सभी को, एंड इसे ऐड करने के बाद सिंपल आप सब अपने फोटो को परिस्ट आप ऐसा परफेक्ट सेट करना। ओके, एंड इस PNG का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप सब वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो इस PNG को आप सबको परफेक्ट अच्छे से सेट कर लेना, एंड उसके बाद आप सबको इरेज वाले ऑप्शन में आना, एंड इरेज में आना, एंड इसका हार्डनेस आप सभी को फुली रख देना, एंड साइज आप सब अपने हिसाब से रख लेना। एंड उसके बाद सिंपल आप सबको ऐसा बॉडी के पार्ट पर से इरेज कर देना, जस्ट आप सबको ऐसा यहाँ पे इरेज करना जैसे कि आपके ये बैक मतलब पीछे साइड चला जाएगा, एंड उसके बाद सिंपल आप सभी को यहाँ पे डन कर देना। तो ये तो आपका PNG यहाँ पे सेट हो गया, एंड इस PNG को सेट करने के बाद आप सभी को फिर से ऐड फोटो में आना, एंड ऐड फोटो में आने के बाद आप सबको रिसेंट के ऊपर टैप करना, एंड यहाँ से भी आप सबको एक बटरफ्लाई ग्लोइंग PNG है, सो आप सबको इसे ऐड करना, एंड इसे ऐड करने के बाद इस टाइप से यहाँ पे नीचे की साइड में सेट करना। ओके, सो इस बटरफ्लाई ग्लोइंग PNG को जैसे आप सेट करोगे ग्लोइंग बटरफ्लाई PNG को, तो इसे सेट करने के बाद फिर सिंपल आप सबको डन कर देना। तो यहाँ पे आप सबका इतना काम हो गया, एंड इतना कर लेने के बाद फिर आप सभी को यहाँ पे टूल्स में आना। टूल्स में आने के बाद आप सबको यहाँ पे एडजस्ट वाली ऑप्शन में आना। एडजस्ट में आने के बाद आप सबको नीचे की साइड जाना, एंड यहाँ पे टेम्प दिखेगा, सो आपको टेम्प में आना, एंड इसका अमाउंट को आप सबको इंक्रीज करना, जिससे आपका यहाँ पे येलो टोन मतलब आपके फोटो के ऊपर आएगा टेम्परेचर, आप समझ रहे हो। सो देख लो आप सब बिफोर एंड आफ्टर, एंड उसके बाद सिंपल आप सब डन कर देना। तो ये हो गया, एंड अगर आज की इस वीडियो में बैकग्राउंड से अगर आवाज़ आप लोग को आई होगी तो इग्नोर करना उसे, एंड अपने फोटो को सेव करने के लिए ड्रॉ के अंदर आना आप साइड, एंड यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके सेव MS कर लेना। सो ये तो हो गया, एंड इस टाइप से कर लेना आप सभी को। सो आई होप कि आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, तो लाइक जरूर से करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड मैं मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।